मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश शासन के प्रवक्ता और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब उद्यानिकी की फसलें भी शामिल की जाएंगी। साथ ही नगरी प्रशासन और आवास और पर्यावरण विभाग को अलग अलग किए जाने का फैसला किया गया है। वहीं मेक इन एमपी में राज्य सरकार ने सीआईआई को अपना पार्टनर बनाया है। राजधानी परियोजना के समस्त काम, नगर तथा ग्राम निवेश के काम, वास्तुकला के काम, गंदी बस्ती उन्मूलन के काम, गृह निर्माण से संबंधित काम, भाड़े और उपभाड़े से संबंधित काम, कॉमन पूल और भवनों के आवंटन का काम, अधिसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका और नगर निगम समितियों का काम, मध्य प्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि और प्रशासन, कांजी हाउस ये पशु वगैरह को जो बंद करते हैं, नगरी क्षेत्रों में सबका गाड़ना और कब्रिस्तान, सबग्राह, शमशान, हाट बाजार, नगरी क्षेत्र के मेले, जलपथों से ले जाई गई वस्तुएं, भंगियों के लिए आवास, सफाई मेहतर का काम, स्वच्छता, घृणास्पद व्यापार, न्यूसेंस, सुअर खाना, पशुपालन, मृतकों की व्यवस्था, नगरी क्षेत्रों की पंथशाला, घरों भवनों का प्रकाश, स्ट्रीट लाइट, नई सड़कें, भवन, विभिन्न अभिपण द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्ती उन्मूलन सुधार योजनाओं की प्रगति की परीक्षण, नगरी महानगरों का मास्टर प्लान, उससे संबंधित क्रियाकलाप, गंदी बस्ती निवारण और सुधार योजनाएं, गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण और समन्वय, गरीबों में उन्नयन और उनकी मॉनिटरिंग, नगरी क्षेत्रों का परिवहन का विकास, जनश्री बीमा योजना, आग की रोकथाम। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने शाला पूर्व शिक्षा को महिला बाल विकास विभाग को सौंपे जाने और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के स्वेच्छानुदान में भी वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष का स्वेच्छानुदान 1 करोड़ तो विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का 50-50 लाख रुपए करने का फैसला हुआ है। रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सरकारी जमीन दिए जाने के प्रस्तावों को पहले कैबिनेट में लाए जाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। साथ ही देवास का 286 करोड़ की लागत से बायपास बनाए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। देवास बायपास 19,800 किलोमीटर लंबा है, जो बीओटी से 4 लेन बनाया जाएगा। देवास बायपास जो है हमारा, उसको 4 लेन और 6 लेन में बनाने की आज अनुमति दी है। आप सबको भी सर्वविदित होगा कि वहां पर ट्रैफिक की एक समस्या रहती है, तो उज्जैन की ओर जाने वाला मार्ग जो होगा बाईपास का, वो 4 लेन होगा, और इंदौर की ओर जाने वाला मार्ग जो होगा वो 6 लेन होगा। ये 19,800 किलोमीटर इसकी लंबाई रखी गई है। 286.25 करोड़ रुपए इसकी लागत। इसी तरह से हर बार नेशनल हाईवे हमारे बनते थे तो उनको भूमि देने का मामला कैबिनेट तक आता था। रेल की पटरी अगर कहीं बढ़ना होती थी तो वो भी मामला हमारा कैबिनेट तक आता था। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है कि रेलवे लाइन और सड़क के चौड़ीकरण के जितने भी कार्य होंगे इसके लिए अब कैबिनेट में नहीं आना पड़ेगा। स्थायी स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा सिर्फ 2 विषय पर, रेलवे लाइन और सड़क मार्ग के चौड़ीकरण के लिए अनुमति आज कैबिनेट के द्वारा स्थायी प्रदान की गई। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।